नगर पंचायत सेंथल से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार लगातार चार बार सभासद रहे फहीम हुसैन से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पद के प्रत्याशी फहीम हुसैन ने बताया कि नगर पंचायत सेंथल विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ी हुई नगर पंचायत है, क्योंकि हम लगातार चार बार सभासद रहे हैं, इसलिए पूरी नगर पंचायत की एक एक समस्या की हमें जानकारी है। यही कारण है कि हमने इस बार चेयरमैन का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। चेयरमैन पद के प्रत्याशी फहीम हुसैन ने बताया कि विकास हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, स्वच्छ जल एवं बिजली व्यवस्था के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की समस्त योजनाओं को जनता तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। इन सब की जानकारी देते हुए नगर पंचायत सेंथल से चेयरमैन पद के प्रत्याशी फहीम हुसैन ने बताया। मैं फहीम हुसैन नगर पंचायत सेंथल से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और मैं 20 साल लगातार जो सेंथल के इतिहास में पहला आदमी हूं जो लगातार चार बार नगर पंचायत का सभासद रहा और अब मैं चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूँ। फहीम साहब, आप नगर पंचायत सेंथल से अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले तो विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य और सरकारी योजनाएं जो हैं उनको जनता के बीच लाना है। फहीम साहब, आपने चार मुद्दे चुनाव के लिए तय किए हैं, उसमें सबसे पहला मुद्दा आपका विकास का है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि विकास किस तरीके का आप कराएंगे, किस तरीके सड़कें, नालियां, नाले और जल भराव, इसकी क्या योजना है आपकी? पहली चीज़ तो यह है कि जो जल भराव है तो नाले, कोई भी नाला बस्ती का ऐसा नहीं है जिससे कि पानी बाहर जा सके, तो सबसे पहले तो नाले बनवा के पानी का जो जल भराव है उसको दूर करना है। और दूसरे जो बस्ती में रोड हैं तो कुछ रोड इंटरलॉकिंग के होंगे, कुछ सीसी रोड होंगे और कुछ हार्ट मिस के जरिए रोड बनवाए जाएंगे, इसी से समस्या दूर होगी और बस्ती का विकास होगा। फहीम साहब, आपकी रणनीति विकास को लेकर बेहतरीन है, दूसरा मुद्दा था आपका शिक्षा का, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से आप कार्य करेंगे? शिक्षा क्या, पहले हमारे यहाँ हाई स्कूल तक था जिला परिषद का, लेकिन वो अब इंटर तक हो गया है और हमारी कोशिश ये होगी कि इंटर की जगह आगे ग्रेजुएशन तक सेतल में कॉलेज हो, उसके लिए हमें जितनी भी मेहनत करना पड़ेगी वो हम करेंगे और बच्चे हमारे सेतल में ही रहें, हमारी यही कोशिश है कि सेतल में ही रह के पढ़ें और उन्हें कोई परेशानी ना हो, ये हमारी कोशिश है। आईटीआई है वो एक प्राइवेट है, जीटीआई बनके खड़ी हो गई है लेकिन वो चालू नहीं हुई है, इन चीज़ों के लिए हमारी कोशिश होगी कि वो चालू हो और हमारे बच्चे यहीं पर शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा से रोज़गार को जोड़ने के लिए जीटीआई को चलवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं वो रोज़गार से लगें और हमारी सेदल तरक्की करें। फहीम साहब, तीसरा मुद्दा जो था आपका स्वास्थ्य और चिकित्सा का था, इस पर आपकी क्या योजना है? हमारे यहाँ हमें जो मालूमात है वो ये है कि कुछ बैठ के अस्पताल है लेकिन उसका पता नहीं चलता और हमारे यहाँ के लोगों को बाहर भागना पड़ता है क्योंकि इमरजेंसी कोई सुविधा है ही नहीं। तो हमारा मकसद यह है कि हम ये चाहेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इमरजेंसी सुविधाएं हों और यहाँ कुछ बेड का अस्पताल हो, जिससे कि हमारे लोगों को आराम रहे और कोई परेशानी ना हो। फहीम साहब, बिजली व्यवस्था जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हर जगह लोग परेशान हैं, इसके लिए आपकी क्या योजना है? बिजली के लिए पहले भी हमने कोशिश की थी लखनऊ लेवल पे कि हमारे यहाँ सब स्टेशन बना दिया जाए, लेकिन विद्युत विभाग वालों ने अपने आराम की वजह से उस सब स्टेशन को हाफिजगंज में बना दिया।
अगर जनता ने हमें मौका दिया तो हमारी कोशिश ये होगी कि सब स्टेशन सेतल में बनाया जाए, जिससे कि अगर कोई फॉल्ट होता है तो वो फौरन अटेंड हो जाए और हमारे यहाँ की दिक्कत ख़त्म हो जाए। और दूसरे, अगर कहीं गलियों में खंभे नहीं लगे हैं तो वहाँ एंगल लगा के स्ट्रीट लाइट बेहतर से बेहतर की जाए और लोगों को उजाला दिया जाए। फहीम साहब, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जनहित और जनकल्याण की योजनाएं जो आती हैं, उन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है, जैसे कि आपकी नगर पंचायत में लोगों का कहना है। जी, ऐसा है साहब, हमारे गवर्नमेंट की काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, लेकिन हमारे यहाँ जो काफ़ी टाइम से जो एक प्रथा चली आई है, हम ये देख रहे हैं कि जो जिन लोगों के पास पैसा है या जो किसी के खास लोग हैं उनके काम हो रहे हैं और जो गरीब लोग हैं उनके काम नहीं हुए हैं। जैसे कि मकान है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आज तक खपड़ेलें पड़ी हुई हैं और उनके मकान बनना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि ऐसा हुआ है कि एक एक आदमी को, मियाँ और बीवी दोनों को पैसे डूडा से दिलवा दिए गए और वो घर एक भी जैसे तैसे नहीं बन पाया है। अब जैसे आयुष्मान कार्ड है, कुछ वार्ड हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनके आयुष्मान कार्ड है ही नहीं, तो हमारा अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो हम कोशिश ये करेंगे कि उनके आयुष्मान कार्ड बनवाएं। राशन कार्ड है, बहुत गरीब लोगों के हैं ही नहीं बने हुए और बड़े लोगों के बने हुए हैं, तो उनको कटवा के गरीब लोगों के कार्ड बनवाए जाएंगे, जिससे कि गरीब का भला हो और गरीब हमें दुआएँ दे कि उसको उसका काम होगा तो वो हमें दुआ देगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जो भी योजनाएं हैं वो हम गरीब को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फहीम साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नगर पंचायत सेतल से अध्यक्ष पद का दावेदार हूं और जनता ने जितना मुझे आज तक देखा है वो शायद सेतल में किसी को नहीं देखा है, क्योंकि मुझे कम से कम 25-30 साल हो गए जनता की सेवा करते हुए और ये जनता मुझे अच्छी तरह से जानती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। और अगर जनता ने आगे भी मुझे मौका दिया तो मैं जनता के लिए 24 घंटे मौजूद रहूँगा और जनता की समस्याओं को देखता रहूँगा। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं कि मैं मतलब किसका क्या काम करूँगा, मैं तो काम के लिए हर टाइम तैयार बैठा ही रहता हूँ और करता रहूँगा अगर जनता मेरे साथ रहेगी।